Hi everyone, ye hai mera 3-day trip compilation to Dubai. We started from Delhi and I chose a very summer floral color क्योंकि दुबई में बहुत गर्मी थी और ये ट्रिप हम सितंबर में हम जा रहे थे, बट स्टिल टू बीट द समर. यहाँ पर आई हैड टू मेक दिस वीडियो ऑफ माई सिस्टर क्योंकि वो मेरी वीडियो बनाने वाली थी नहीं, सो आई हैड टू डू इट अदरवाइज. चेक इन में बहुत भीड़ थी एंड देन वी स्टार्टेड टुवर्ड्स आवर गेट और ये मैंने टाइम लैप्स किया हुआ है क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो बनती. And just to cut it short, I was doing it. Our gate number 10 tha aur yeah, this was me. We had to wait in the waiting lounge and then we again initiated our walk towards the gate. Hame 10B mein jana tha. और वो बहुत दूर है. इफ समबडी हैज गॉन टू द टर्मिनल 3, एवरीबडी इज़ अवेयर कि वो कितना दूर है. सो टाइम लैप्स अगेन. यहाँ पे हमने कुछ खाने और पानी का बॉटल लिया था क्योंकि फ्लाइट तक जाने के लिए जब तक हम दुबई पहुँचते तब तक बहुत देर हो जाती एंड वी कुड हैव गॉटन हंग्री, तो इसलिए हमने कुछ ले लिया. और अब हम अपने गेट के पास पहुंचने ही वाले थे. दिस इज़ द लास्ट ट्रैवलेटर आई थिंक. इसके बाद हम अपने गेट पे पहुंच जाएंगे. दैट वाज 10B. वेंट इनसाइड द फ्लाइट और ये छोटा सा मैंडेटरी सेल्फी वीडियो बिकॉज यू नो या. Then our flight started to roll और ये टेक ऑफ जो कि नाइट व्यू था, ऑलमोस्ट रात हो चुकी थी क्योंकि फ़्लाइट हमारी इट वॉज एट अराउंड 5:55. तो बाई द टाइम वी स्टार्टेड मूविंग रात ऑलरेडी हो चुकी थी एंड दिस वॉज गिविंग अ वेरी नाइस नाइट व्यू ओवर दिस एयरपोर्ट. आई हैड टू कैप्चर इट. बीच में थोड़ा ब्लरी हुआ है लेकिन आई कुडंट हेल्प इट, आई हैड टू शूट ऑल दीज थिंग विथ माय मोबाइल. सो या, और हम लैंड हो चुके थे दुबई में. ये है दुबई का एयरपोर्ट. यहाँ भी भीड़ बहुत थी वाइल इमिग्रेशन लाइन क्यू में. बाय द टाइम वी केम होम इट वाज ऑलरेडी 12:08. आई हैड अ लॉन्ग डे. This is the next day. I wore a covered cape and a palazzo pant. It was blazing sun, highly blazing. इतनी धूप थी कि वो हवा भी जला रही थी हमारे चेहरे को. बहुत गर्मी. I think the best time is to travel in winter time. दुबई तो winter में ही travel करना चाहिए. I think that's best. ये बहुत गर्म था एंड आई वॉज लाइक डाइंग. आई वॉज मिसिंग माई मास्क. आई थिंक कोविड में हमने इतना मास्क पहना एंड आई हेटेड इट, बट नाउ आई वॉज लाइक रियली मिसिंग मास्क. ब्रेकफस्ट के बाद वी स्टार्टेड आवर जर्नी एंड दिस वॉज अ लिटिल टूर टू दुबई. दुबई के सिटी में सब कुछ मोस्टली द आर्किटेक्चर वॉज मोर ऑफकोर्स एवरीबडी इज़ अवेयर ऑफ द आर्किटेक्चर. वहाँ का जो भी बिल्ट स्ट्रक्चर्स है इट्स ऑल वेरी systematic and beautifully built. बहुत सारे constructions हो रहे थे और like lot of apartments and then commercial buildings and then you know offices were coming up. सारे buildings में mostly they have done glass का facade. I don't know why but they have like this choice only which gives this unique look. बट आई थिंक गर्मी भी बहुत होती होगी. उसके बाद हम
स्लोली वी वर एंट्रिंग ओल्ड दुबई, जहाँ पे ये तो गोल्ड सूप था, जहाँ पे जाना लाइक जहाँ पे आते ही मेरी आंखें बिल्कुल यू नो आई वाज इट वाज ब्लिंगिंग, क्योंकि ऑल प्योर गोल्ड एंड लाइक हैवी आर्मर सॉर्ट ऑफ ज्वेलरी वाज देयर. तो ये वो गली थी जहाँ पे हमने सोने का सारा ज्वेलरी देखी मैंने, जो मैंने अभी इतने लाइक यू नो लार्ज स्केल पे आई कैन ओनली दुबई में ही हो सकता है. इट वॉज सो ब्यूटिफुल ज्वेलरी, सो ब्यूटिफुल डिज़ाइंस एंड ऑल वर लाइक ग्लिटरिंग गोल्ड. सो आई गॉट लिटिल यू नो वॉन्टेड टू गो फॉर दैट. अगेन वी स्टार्टेड आवर जर्नी टू आई थिंक हम दुबई दर्शन कर रहे थे सॉर्ट ऑफ. सो या दिस वॉज अ सी एरिया वेर जो जहाँ पे शेख लोगों का घर है, वो प्राइवेट हाउसेज है लाइक प्राइवेट रेजिडेंसेज विलाज है जो ऐसे आइलैंड जैसे फॉर्म में बना हुआ है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. आई थिंक मुझे चांस नहीं मिला किसी भी शेख के घर जाके वहाँ पे एक्सप्लोर करने का, बट आई वॉज रियली लाइक आई थॉट मैं नेक्स्ट टाइम प्रॉब्ली वो करूँगी. और उसके बाद इसी ड्यूरेशन में हमें आई थिंक वी फाउंड दैट क्वींस शिप यॉट. वेट आई विल शो यू, इट्स जस्ट गोना कम. सो दिस वाज ऑल दैट शेख का घर. यहाँ पे जो भी लोकल है, जो शेख होते हैं दुबई के, वो यहाँ पे ही रहते हैं, ऐसे ही लोकेशन में वो प्रेफर करते हैं रहना. एंड द क्वींस यॉट, दैट वाज अ क्वींस यॉट जो ब्रिटिश टाइम से है, और इट वाज अ गिफ्ट गिवन टू सम बड़ी हियर इन दुबई एंड दैट्स हाउ इट वाज. तो यहाँ पे मल्टीपल था भी, बट इट वाज लाइक वर्थ, वेरी प्रिटी इट वाज. उसके बाद वापस हम चले गए अपने जर्नी पे. एंड ऑलरेडी ये डे बहुत टायरिंग हो चुका था, क्योंकि जब मैं पहुंची थी दैट पर्टिकुलर डे वाज ऑलरेडी वेरी लॉन्ग, क्योंकि 6 बजने के बाद भी आई वाज अवेक टिल 12 ऑफ दुबई, मतलब वो तो ऑलरेडी 2 आवर्स अहेड होता ही है. तो मतलब मैंने जब से मैं जागी हुई थी 2.5 आवर्स का स्ट्रेच मुझे और भी ज़बरदस्ती यू नो जागना पड़ा था, क्योंकि हाँ दुबई पहुँच के ऐसा ही होता है. सो या एंड देन दिस वॉज अ मॉस्क विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट आई थिंक मुझे इसका नाम एग्जैक्टली नहीं पता, बट आई विल कोट हियर ऑन द स्क्रीन. तो ये वो मॉस्क था, अंदर जाने का मन नहीं हुआ बिकॉज वो बहुत गर्म था, और बाहर से ही मैं इतनी थक चुकी थी कि बाहर से ही मुझे देख के जो भी था अच्छा लग रहा था. देन वी अगेन स्टार्टेड और हम जा रहे थे जुमेरा की तरफ, पाम जुमेरा बीच की तरफ. तो ये था वो प्लेस, और फिर से आई थिंक समबडी वाज ट्राइंग टू फोटो बॉम्ब और पिक्चर और वीडियो, बट व्हाट कैन वी से, दिस इज़ हाउ एवरीबडी इज. सो इग्नोरिंग दैट, इट वॉज हाईली आई थिंक 40-42 का टेम्परेचर था, और वी वर मूविंग अहेड. वो एंड पे जो ये पैसेज है जहाँ पे वो एंड होता है, वहाँ पे से ही बीच शुरू है, और यहाँ से तो अच्छा लग रहा था देख के कि बीच है एंड एवरीथिंग विल बी सो कूल एंड काम, बट दिन के टाइम में इट्स नॉट एट ऑल वर्दी टू गो. दिन में कोई भी नहीं, कहीं नहीं अच्छा लगेगा, इट्स सो ब्लेजिंग सन कि आप टैन हो जाओगे, आप जल जाओगे, यू वोंट लाइक इट. तो आई थिंक रात का ही टाइम सूटेबल है, लेकिन क्योंकि हम अभी ही लाइक दुबई टूर कर रहे थे, इसीलिए हम लोग को सुबह ही जाना पड़ा. रात के लिए वी चूज़ अनदर टाइम, बट वो वीडियो मेरे पास है, मैंने वो वीडियो बनाई नहीं थी, तो ये वीडियो है मेरे पास जो वो पर्टिकुलर प्लेस दिखाने के लिए था. एंड दिस वॉज माई सिस्टर. सो वी वर गोइंग टूवर्ड्स, एंड देन वो जो बिल्कुल इस पैसेज के एंड पे जाता है, वो है वहाँ पे से बीच शुरू है, और ये सारे यहाँ पे क्लब्स हैं और कैफेज है जो रात को बहुत ही ब्यूटीफुल लगता होगा. द मोमेंट यू स्विच ऑन द लाइट एंड एवरीथिंग जस्ट ट्रांसफॉर्म. सो जैसे जैसे रात बीतती जाती है वैसे वैसे ये एरिया कूल होता जाता है. तो तब तक के लिए गर्मियों में लाइक दिन के टाइम में तो नॉट सूटेबल ऑफ कोर्स नहीं है,
लेकिन रात को तो कोई भी आके यू कैन आराम से यू नो चिल आउट करो और फिर कुछ भी खाओ टेस्टी. देयर इज़ अ क्लब ऑल्सो, यू कैन हैव ड्रिंक्स ऑफ योर चॉइस एंड देन डांस ऑल नाइट. और फिर बीच तो है ही, तो यू कैन गो एंड डिप. आई डोंट रियली नो इफ स्किनी डिपिंग इज़ अलाउड, बट यू कैन डेफिनेटली स्विम इन टू द पूल. या एंड ट्रस्ट मी, आई वॉज बर्निंग एंड आई वॉज रियली थर्स्टी. और ये हम पहुँच चुके थे क्योंकि यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ पर हमारी व्हीकल अलाउड नहीं थी. और ये बीच देख के ऐसा लग रहा है जैसे वाओ सो ब्रीजी एयर वुड बी देयर. ओके, सो नाउ दिस वाज अ डेजर्ट सफारी जर्नी स्टार्टेड. हम ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी जब हम वहाँ पहुँचे थे, और शाम को ही आई थिंक करते हैं ड्यूरिंग सनसेट के टाइम पे, क्योंकि डेजर्ट में भी बहुत गर्मी होगी और हीट स्ट्रोक जैसे चीज़ें, डिहाइड्रेशन होने का भी प्रॉब्लम है. तो ये हमारा ड्राइवर था और इनके जो पास में बैठे हैं वो एक और टूरिस्ट थे जो लाहौर से थे. और ये हमारा सफारी चल रहा था, डेजर्ट सफारी. और ट्रस्ट मी, दिस इज़ वन हैक ऑफ अ राइड, क्योंकि माय गुडनेस ये कहीं भी यू नो गाड़ी लेके कहीं भी डाल देते हैं गड्ढे में, एंड यू जंप आउट लाइक एनीथिंग. एंड इट्स अ क्रेजी ड्राइव टिल द एज पॉइंट जहाँ पे हम रुकते हैं, और फिर थोड़ी देर वहाँ पे यू नो डेजर्ट में आने का फील आता है हमें. यहाँ पे दोज बाइक्स आर ऑल्सो देयर, थार बाइक्स, लेकिन वो मैंने किया नहीं था क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने जैसलमेर और लद्दाख में किया हुआ था. तो दुबई के लिए आई डोंट थिंक कि वो मुझे बहुत प्रेफर हो रहा था, प्लस आई हैड नो पार्टनर ऑल्सो. तो इसलिए मैंने सोचा कि ओके आई विल जस्ट क्विट दैट. और ये डेजर्ट सफारी, ये सनसेट का आई ट्राइड टेकिंग पिक्चर, बट ये गाड़ी इतनी यू नो जर्क हो रही थी बिकॉज वो इतने गड्ढे में, और जो भी उसका नेचुरल फीचर्स था वो ड्राइवर वहीं पे बेसिकली चला रहा था. तो इसके बाद फिर ये हमारा शुरू हुआ था बेली डांस, जो वहाँ डेजर्ट सफारी में एक फिर लाइक इट्स अ शो. सो फर्स्ट वाज दिस बेली डांस, दिस समबडी दिस गर्ल फ्रॉम आई डोंट नो वेयर शी वाज, बट शी वाज डांसिंग एंड शी वाज डांसिंग रियली ब्यूटिफुली. सो मुझे भी ऐसे आई वाज आल्सो गेटिंग इंस्पायर्ड कि मुझे भी ऐसे समथे आई लाइक आई वांट टू लर्न दिस बेली डांसिंग, एंड इट वाज गुड. वट एवर शी वॉज डूइंग, आई होप द एफर्ट वॉज रियली नोटिसेबल. और बहुत ही एफर्ट्स थे उसके डांस में, तो ऑब्वियसली आई थिंक वी ऑल शुड अप्रिशिएट दैट. सो या सो दिस हैपेंड एंड देन देयर आर मोर शोज कमिंग अप एंड आई वॉज एक्साइटेड आफ्टर दिस ओनली. और इट वॉज प्रिटी एंटरटेनिंग ऑफकोर्स. और जिनको भी डांस करना था उनको वो इन्वाइट कर रहे थे स्टेज पे, एंड दे कुड हैव कम एंड डांस्ड अलोंग. लेकिन आई वॉज टू शाई टू गो अप. एक्चुअली आई वॉन्टेड अ ड्रेस आई थिंक, ऐसा बेली डांस जैसा. ये दूसरा डांस था, दूसरा शो था जो आई डोंट नो दिस गाइज नेम, बट ही वॉज अ रियली टैलेंटेड वन. इट वॉज ऑल सर्कमनैम्बुलेटरी वाला डांस, जिसमें सिर्फ घूमते हैं और घूम घूम के बहुत सारे डिफरेंट यू नो पोजेज और डिफरेंट व्हाट डू वी से, आप देखो ये ऐसे कुछ कुछ करते हैं गोल के. और फिर इसकी जो स्कर्ट है इसमें भी लाइट्स ऑन होते हैं, सो दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग आई थिंक. सो आई थिंक इट्स जस्ट रियली सी दिस. और ये कंटिन्यूसली इसने मुझे लगता है 7 to 8 minutes का डांस किया था विदाउट स्टॉपिंग, और ऐसी सर्कल एम्बुलेटरी, मतलब ऐसे गोल 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 घूमते घूमते. आई कैन ओनली, मतलब मुझे देख के चक्कर आ रहा था एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड ये ऐसे कैसे भी कर सकते हैं ऐसे. बट दिस वाज अ रियली आई थिंक अ टैलेंटेड गाय. जो आप देख रहे हो ये लाइट्स वाज लाइक रियली प्रिटी. उसके बाद ये था फायर शो, जो वहाँ पे डिजर्ट के जो ऊपर में एक माउंटेन जैसा, नॉट माउंटेन लाइक इट्स अ सन ड्यून, और फिर ये फायर शो वहाँ पर चल रहा था. फिर ये आउटस्कर्ट्स में था जो हाइट से दिखता था, और फिर ये स्टेज पे वापस से फायर वाला परफॉर्मेंस. दिस गाय वाज आल्सो लाइक रियली टैलेंटेड, इसको आग से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, एंड दैट वाज अमेजिंग. मतलब जो ये ट्रिक्स चल रहे थे मुझे ऐसा लग रहा था मैं खुद भी सीख जाऊँ, क्योंकि ये बहुत यू नो लाइक आई कैन नॉट से एनीथिंग, इट वॉज अमेजिंग. यहाँ पे पिक्चर्स अच्छी से नहीं आई क्योंकि लाइट ऑलरेडी डार्क हो चुकी थी, और ये फायर शो था तो इसमें जो बाकी स्टेज लाइट्स भी थे वो भी बंद करने की ज़रूरत थी.
तो यहाँ पे बस फायर इसलिए दिख रहा है, बट ये सामने से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था और बहुत ज़्यादा आई ग्लोइंग था. आपकी नज़र नहीं हटती यहाँ से कहीं और. तो ये ऐसा शो था, और ये बंदा जो भी था ही वॉज लाइक रियली टैलेंटेड. ये था हमारा दिन. और उसके बाद नेक्स्ट डे आई हैड टू चिल आउट, क्योंकि नेक्स्ट डे वॉज मतलब इसके पहले वाला दिन बहुत टायरिंग हो चुका था. तो एक पूल साइड पे चिलिंग अराउंड वॉज रियली सूदिंग. इट वॉज लाइक अ थेरेपी. तो ये थेरेपी जैसा था और ये बहुत ज़रूरत थी इतने टायर होने के बाद. यू कैन सी ऑल आर फीट सोलन, क्योंकि हमने कंटिन्यूसली इस दिन वॉक करी थी दिन से. वी हैड टू चेंज आवर प्लेस, जहाँ हम पहले रुके थे वहाँ से हमें शिफ्ट होना पड़ा था. और ये है आई थिंक सेकेंड डे की बात. ये था वो प्रॉपर्टी जहाँ पे हम नेक्स्ट स्टे कर रहे थे. ये था ग्रैंड एक्सेलसियर होटल का नाम. और लोकेशन मैं आपको नीचे डाल दूँगी, बट ये था. और ये बहुत अच्छा, इसके इंटीरियर्स बहुत अच्छे थे और एम्बियंस भी बहुत अच्छा था. और जहाँ पे ये लोकेटेड था वो भी बहुत ही अच्छा था. इट वॉज़ रियली ब्यूटिफुल एंड वेरी बजट फ्रेंडली. उसके बाद मुझे मेरे काम की चीज़ दिख गई, विच वॉज कैफ़े. और वहाँ पे बहुत सारे यमी पेस्ट्रीज एंड व्हाट डू से दीज केक्स वगैरह. बट येस आई डिडंट ईट, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा कैलोरी होता है और मुझे ट्रैवल करते हुए ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू फील बैड अबाउट ट्रैवलिंग कि मैंने बाहर ट्रैवल किया और मैं मोटी हो गई. सो या ये उसका रिसेप्शन एरिया था. मैं बहुत थक चुकी थी वाइल द रूम वॉज बुक्ड, तो मैं यहाँ पे वेट कर रही थी. और आज ही की रात ये मैं तैयार हुई थी फॉर द क्रूज ट्रिप. ये जो क्रूज था, तो इसके लिए आई चोज अ सिल्वर कलर, वेरी सिंपल. आई हैड टू, क्योंकि हम बहुत थक चुके थे, हम सो रहे थे और हमें क्विकली तैयार होना था. सो आई हैड ओनली 10 मिनट्स टू गेट रेडी. तो ये था उसके बाद वी स्टार्टेड आवर जर्नी टुवर्ड्स द क्रूज. एंड God, this was the cruise which was waiting for us. ये था हमारा क्रूज ट्रिप जो 1 घंटे का होता है. ये 1 घंटे के लिए आपको लेके जाएंगे एंड देन यू कैन हैव पार्टी और थिंग्स. तो ये यहाँ पे तैयार हो रहा था. इसके बाद अंदर जाने के बाद मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं है, क्योंकि मैं इंजॉय करने में बिजी हो गई थी. ये था बुर्ज खलीफा का वाटर शो, जो बहुत ही आई डोंट नो इतना ग्लीमी क्यों कर रहा. एवरी नाइट आई थिंक दे जस्ट स्विच ऑन द लाइट्स एंड इट्स लाइक प्रिटी. सो इट वॉज लाइक प्रिटी, रियली रियली प्रिटी. उसके बाद नेक्स्ट डे वी वर गोइंग बैक. ये मेरा थर्ड डे था, और थर्ड डे खत्म होने के बाद एक क्लब भी मैं गई थी, बट उस क्लब की वीडियोज़ मेरे पास है नहीं, क्योंकि वो बहुत रात थी. और फिर हम नेक्स्ट डे जा रहे थे वापस. तो दिस वॉज द फ्लाइट बैक टू दिल्ली फ्रॉम दुबई. तो आई वॉज गोइंग इनसाइड, और ये स्पाइस जेट मिला था हमें वापस आने के लिए. ये दुबई का एयरपोर्ट है, विच इज़ लाइक दिस. और दुबई के एयरपोर्ट में भी लाइक ट्रैवल्स करने के लिए वी हैड टू टेक लाइक वो हैंगिंग मेट्रोज. वहाँ पे और कोई वे नहीं है पहुँचने के लिए, टू चेंज योर गेट्स. सो दिस वॉज इट. एंड As soon as we got inside, we were exhausted and tanned and badly, sun dehydrated. Yeah, it was very much. वहाँ पे बहुत गर्मी है और आप कितना भी पानी पी लो, कुछ भी कर लो, बट प्यास नहीं बुझती. तो ऐसे ही होता है. उसके बाद ये टेक ऑफ होने के बाद ये हम आई थिंक पाकिस्तान वाले एरिया, वेस्ट पाकिस्तान के एरिया से हम क्रॉस करते हैं. तो ये आई थिंक व्हाट खाइबर पास वाला शायद एरिया होता है, ये ऐसा ही कुछ होता है. बट ये हम यहाँ से अफगानिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान से होते हुए हम निकलते हैं टुवर्ड्स दिल्ली. तो ये उसका पूरा रूट होता है, जो कि बहुत. सो दैट वॉज माई 3 डे ट्रिप्स टू दुबई फ्रॉम दिल्ली. एंड आई